हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट है उसको रिवर्स करने का एल्गोरिथम को देखेंगे। तो ये एक काफ़ी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, लेकिन ऐसे भी ये जानना चाहिए, थोड़ा लॉजिक है इसमें। सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बेसिकली एक लिंक्ड लिस्ट है ये, बट उसमें क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में लिंक होता है। ओके, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ये देख सकते हैं, एक हेड नोड होगा और नेक्स्ट को पॉइंट उसके वो एक नए नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल N1 है, वो N1 N2 को पॉइंट करेगा, ऐसे चलता रहता है, लास्ट में नल होता है। ओके, रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन को रिवर्स करना है, मतलब हेड लास्ट हो जाएगा और N3 हेड हो जाएगा, एक तरह समझ गए, इस तरह से करना है। ओके, ये हो गया। तो इसका एग्जाम्पल लिखना है, यहाँ पर सब कुछ मैंने सेटअप पहले से करके रखा है तो ताकि सिर्फ आप लॉजिक पर ध्यान दे सकें। यहाँ पर देखिए, एक लिस्ट को पॉपुलेट कर देंगे पुश बैक करके, 1 से 10 तक एलिमेंट, 0 से 10 तक, और ओरिजिनल को प्रिंट करेंगे फिर रिवर्स को प्रिंट करेंगे। ओके, अब देखिए सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा फैंसी है लेकिन आपको उतना जानना नहीं है। आपको सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि एक हेड पॉइंटर होगा जो कि लिस्ट के हेड को पॉइंट करेगा, और हेड सारे नोड जो हैं वो इस तरह से होंगे। एक उसमें एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा और उसमें एक एक एलिमेंट होगा ई। वो ई आप कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, पूरा डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो एक एक बेसिक सा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत सारे API दिया हुआ है। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए ये जो लिस्ट है इसको सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, देखिए इसमें हम दो पॉइंटर लेंगे, एक है मान लीजिए प्रीवियस, ओके, और एक लेंगे करेंट, दो पॉइंटर बनाएंगे। ओके, प्रीवियस क्या करता है, पुराने वाले को पॉइंट करता रहता है, और करंट जो है वो अभी जो करंट जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पे का पॉइंट करता है। ओके, तो शुरू में जो होगा प्रीवियस जो होगा वो एक तरह का नल पे पॉइंट करेगा, नल पॉइंटर। और दूसरा ले लेते हैं करंट, करंट जो है वो लिस्ट के हेड को पॉइंट करेगा। ओके, तो अभी ऐसा है प्रीवियस जो है किसी को पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि प्रीवियस शुरू में लिंक्ड लिस्ट में शुरू में प्रीवियस का क्या होगा, करंट से स्टार्ट करेंगे, तो करंट ही हो गया। ओके, अब देखिए क्या है इसमें, हम क्या कर सकते हैं कि हम हमें करना क्या, देखिए ये जो एरो है इसको बेसिकली रिवर्स करना है। ओके, तो रिवर्स कैसे हो, हम पहले क्या करेंगे, एक हैंडल लेंगे, एक हैंडल लेंगे उसके लिए, करंट के नेक्स्ट वाले के लिए हैंडल लेंगे। ओके, उसको टेम्प मान लेते हैं, करंट नेक्स्ट। अभी सिर्फ एक पेयर ऑफ नोड के लिए बता रहे हैं और बस इसको लूप में डाल देना, बस अपने आप हो जाएगा सब काम। इसलिए देखिए क्या करेंगे, टेम्प को बोले कि करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करो, मतलब करंट का नेक्स्ट क्या है, वो है N1, तो N1 को पॉइंट कर रहा है। ओके, ये हो गया। अब क्या करेगा, देखिए टेम्प N1 को पॉइंट कर रहा है, करंट हेड को पॉइंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, हेड और N1 के बीच का पॉइंटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। ओके, बेसिकली क्या होगा, हेड का जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट करने लगेगा, और फिर हेड पे हम एक हैंडल रखे रहेंगे ताकि नेक्स्ट बार में अपना उसका काम हो जाए। ये देखिए, अब करंट का नेक्स्ट जो है यानी टेम्प, टेम्प उसको पॉइंट कर रहा है, तो अब इस एरो जो है हेड का नेक्स्ट, इसको हम लोग डिलीट भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो हमारे पास एक पॉइंटर बचा हुआ है। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए करंट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, करंट का नेक्स्ट जो है उसको प्रीवियस की तरफ, इसके एरो को उल्टा कर दिया यहाँ पे। ओके, ये देखिए कि प्रीवियस तो नल पॉइंटर था, तो यहाँ पे एरो चेंज कर दिया इसका ऐसा। ओके, ये देखिए एरो को चेंज कर दिया, ये हो गया, करंट का नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस को पॉइंट करने लगा। अब देखिए क्या, अब जो है प्रीवियस जो है वो एक तरह से फ्री हो गया, क्योंकि प्रीवियस का काम हो गया है, तो प्रीवियस इक्वल टू टेम्प। ओके, और क्या करना है, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प हो गया, मतलब अब ये देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस जो है नहीं, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प नहीं, करंट करना है, करंट करना है, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, एक शिफ्ट हो जाता है, प्रीवियस अब ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, देखिए प्रीवियस हो जाएगा हेड और करंट हो जाएगा N1, तो करंट N1 कैसे हो, तो लिखें करंट इक्वल टू, करंट इक्वल टू लिखेंगे टेम्प, क्योंकि टेम्प जो है वो करंट था, तो
जैसे खसक गया एक्टर से, देखिए ऐसा हैपन है। शुरू में ऐसा है, आप पॉइंटर चेंज कर दिए, आप क्या करें करंट को कर दिए टेम्प की तरफ, तो ऐसा हो गया। देखिए तो पहला लाइन में लिखे प्रीवियस इक्वल टू करंट, और फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे कर देते हैं करंट इक्वल टू टेम्प, ऐसा हो गया करंट टेम्प के बराबर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है इसको, ये तब तक करना है तब तक आपके पास करंट हो, मतलब जब तक आपका हेड पॉइंटर जो है, मतलब कोई ना कोई नोड होना चाहिए तभी तो करवाएंगे। ओके, ये हो गया आपका सिंगल लिंकेज का प्रोग्राम। ओके, अब देखिए क्या इसमें, तो इतना में ही काम हो गया आपका, आपको अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा तो इतना ही है एक तरह से। लेकिन एक चीज़, इस ये जो लिंक लिस्ट है इसमें थोड़ा सा, इसमें हेड पॉइंटर वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, हेड और टेल है, टेल इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हेड, क्योंकि लिंक लिस्ट का जो ऑपोजिट हो गया है तो टेल हेड को पॉइंट करने लगेगा, और एल डॉट जो हेड है वो प्रीवियस को पॉइंट करने लगेगा। क्योंकि जब ये लूप ख़त्म होगा तो करंट नल हो चुका होगा, और प्रीवियस जो है वो लास्ट वाले को पॉइंट करता रहेगा, एकदम लास्ट में चला जाएगा एन थ्री पे, समझिए। तो एल डॉट हेड को हम प्रीवियस पे कर देंगे तो लिंक लिस्ट इस डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हो गया। ओके, इसलिए अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये देखिए, ओरिजिनल था 0 1 2 3 4 10 तक, और रिवर्स हो गया 10 9 8 से पूरा हो गया। ओके, तो एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए पूरा एल्गोरिथम लिखा हुआ, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। क्या किया देखिए, लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, तो शुरू में जो एरो दिया हुआ है, देखिए ऐसे एरो दिया हुआ है सबका, उसको हमें रिवर्स की तरफ पॉइंट करना है। ओके, तो दो पॉइंटर लेते हैं, लेते हैं प्रीवियस, जो कि प्रीवियस पुराने वाले को पॉइंट करता था, और हेड करंट जो है वो अभी जिस पे हम जिस पे काम कर रहे हैं उसको पॉइंट करता रहता है। ओके, तो क्या करेंगे, प्रीवियस को हेड की तरफ ले जाते हैं और करंट को हेड के नेक्स्ट वाले पे ले जाते हैं, और उसके पहले क्या करते हैं, पॉइंटर को इसको उल्टा डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं। क्योंकि करंट का नेक्स्ट जो है, यानी करंट का नेक्स्ट जो पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर ही है हेड के नेक्स्ट वाला, उसको प्रीवियस की तरफ पॉइंट करा देते हैं। यही मेन लाइन है, और बाकी सब क्या है, वो सेटअप करने के लिए है। प्रीवियस हो गया करंट, क्योंकि प्रीवियस अब नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और करंट हो गया उसके आगे वाला, यानी टेम्प हो गया, और ये लूप में चलता रहेगा। तो करंट अपडेट हो गया ऐसे चलते चलते चलते, वाइल करंट मतलब जब तक कोई नोड रहेगा तभी तक ये काम करेगा। ओके, हो गया ये आपका लिंक्ड लिस्ट रिवर्सल का एल्गोरिथम। ओके, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।